आज का अनुभव कैसा रहा सुबह से लेकर अभी तक का दो दिन बीता है? आज का अनुभव तो ट्रेनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ बैठ के मालूम पड़ता है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक बहुत ही अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की कंप्लेंट हैं। तो ठीक है, एसएसपी साहब ने ये जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत ही थैंकफुल हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये आगे जा के थोड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा वो करेगा मेरे को ट्रेन करने में। किस तरह की समस्याएं आपने सुनी है और निराकरण क्या किया है जनता का, पब्लिक का, दूर दूर से आती है समस्याएं? तो घरेलू समस्याओं से शुरू होके सीरियस क्राइम्स की जो एलिगेशन होती हैं वहाँ तक आती हैं। उनको संबंधित से बात करके तो निस्तारण करने की और उनको आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बता दिया गया। जनता की जो समस्याएं हैं, एक आईपीएस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है उनकी समस्या को निवारण करना? जो चुनौतीपूर्ण भी होता है और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, और कुछ में तो आप तुरंत निस्तारण करवा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको पीछे पड़ना पड़ता है मेहनत करके, उनका फिर जाके धीरे 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 ही कुछ समाधान निकल पाता है। दोनों केसेस में आपको बस यही उम्मीद रहती है कि आप अपना तरफ से 100% दें और फिर उस पर आगे जाके जो हो पाता वो अपना करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। Thank you.